खबर बुरहानपुर जिले से है, जहां भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के समर्थन में चुनावी सभा करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खकनार पहुंचे, जहां आम सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम लोग केवल वोट के लिए काम नहीं करते, हम जनता की जिंदगी बदलने के लिए काम करते हैं। उन्होंने कहा कि चाहे केंद्र सरकार हो या मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार हो, मेरी आखिरी सांस चलने तक तुम्हारी सेवा करूंगा। इसी दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने क्या दिया आपको, केवल लुटा है, और कांग्रेस केवल बात करती है और कुछ भी नहीं। और चाहे मुख्यमंत्री के रूप में पहले मैंने किए और अब मोहन जी कर रहे हैं वो सब काम, इसलिए कि हमको आपकी सेवा में ही अपनी जिंदगी बिताना है। ये भारतीय जनता पार्टी है मेरी बहनों। एक एक योजना बनाई, वो योजना इसलिए नहीं बनाई कि हमको किसी वोट को प्रभावित करना था, वो योजना हमने इसलिए बनाई कि हमको लोगों की जिंदगी को बदलना था। मेरी बहनों, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, बचपन से मैंने बेटा और बेटियों के बीच भेदभाव होते हुए देखा था, और इसलिए मन में ये विचार आया, एक दर्द एक पीड़ा सीने में होती थी, बेटा बेटी के बीच भेद क्यों, बेटा बेटी बराबर क्यों नहीं माने जाते, बेटी बोझ क्यों है। जब ये भेद देखा तो मन में एक तड़प पैदा हुई कि बेटी को बोझ ना माने, बिटिया को वरदान समझा जाए, और इसे लाडली लक्ष्मी जैसी योजना बना के बेटियों को लखपति बनाने का काम मैंने किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने।